चलिए दोस्तों, HCF एंड LCM का टाइप पार्ट टू का टाइप थर्ड देखते हैं। जिस जो नहीं देखे हैं वो मेरा पार्ट वन एंड पार्ट टू देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं टाइप थर्ड पार्ट टू का टाइप थर्ड। क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 72 है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 72 है तो है, और उनमें पहली संख्या यानी उनमें पहली संख्या 9 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, दूसरी संख्या ज्ञात करें। क्या है टाइप थर्ड में दोस्तों, यही दो संख्याओं का गुणनफल 72 है और उनमें पहली संख्या 9 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। इस टाइप के क्वेश्चन में दोस्तों कुछ नहीं करना है, गुणनफल में पहली संख्या से भाग दे देना है, वही क्या निकल जाएगा, दूसरी संख्या निकल जाएगा। क्या निकलेगा, दूसरी संख्या। क्या मांग रहा है, दूसरी संख्या मांग रहा है, तो दूसरी संख्या और क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट भाग दे देना है। क्या करना है, भाग दे देना है, 72/9 क्या हो गया, 9/72, दूसरी संख्या क्या हो गया, 8, यही हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, यदि पहली संख्या 7 है और दूसरी संख्या 8 है तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। पहली संख्या 7 है, पहली संख्या मान लेते हैं A1, मान लेते हैं 7 और A2 8, संख्याओं का गुणनफल बोल रहा है, तो गुणनफल A1 गुना A2 7 गुना 8 क्या हो गया दोस्तों, 56, यही क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि दो संख्या गुणनफल 35 है और उनमें दूसरी संख्या 5 है तो पहली संख्या क्या होगा। क्या बोले दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्ट भाग दे देना है, यदि दूसरी संख्या या पहली संख्या मांगेगा तो गुणनफल में डायरेक्ट क्या करेंगे, भाग दे देंगे। क्या निकालना है, पहली संख्या निकालना है, डायरेक्ट क्या करेंगे दोस्तों, भाग दे देंगे, भाग दीजिए, 35/ कितना हो गया, 5/5 = 35, 7 आंसर हो गया। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला टाइप, टाइप फोर। देखिए दोस्तों टाइप फोर में रेलवे असिस्टेंट ग्रेड 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, पढ़ने से लगता है हार्ड लेकिन कोई क्वेश्चन में कोई कोनो चीज कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं है। चलिए दोस्तों देखते हैं, बिल्कुल एक सेकेंड लगेगा दोस्तों, क्वेश्चन में क्वेश्चन पूरा इजी है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। देखिए क्या है क्वेश्चन, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 12 और 396 है तो उनमें से एक संख्या ज्ञात करें। एक संख्या ज्ञात करना, एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या मांग रहा है दोस्तों, दूसरी संख्या निकालना है, क्या करना है, दूसरी संख्या निकालना है, दूसरी संख्या निकालना रहे। इस टाइप का क्वेश्चन में क्या करना है दोस्तों, महत्तम और लघुत्तम यदि दिया रहेगा, क्या करना है, महत्तम लघुत्तम दिया रहेगा तो उसको गुना करना है, गुना करना है, क्या करना है, LCM और HCF को गुना कर देना है, LCM और HCF को गुना कर देना है, और जो संख्या दिया रहेगा, जो संख्या पहली दिया रहेगा तो पहली, यानी दूसरा संख्या यदि दिया रहेगा तो दूसरी संख्या से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। यहाँ क्या दिया हुआ है, पहली संख्या और दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो पहली संख्या और कुछ नहीं है दोस्तों, इसको हल कर लेना है, आंसर मिल जाएगा। देखिए LCM गुना HCF, LCM 12 है और HCF 396 है, LCM और HCF कितना है, महत्तम और लघुत्तम, महत्तम क्या है दोस्तों 12 और लघुत्तम क्या है 396 बटे पहली संख्या, पहली संख्या 36 है, काटिए 12 + 36, 3 से काटेंगे, 3 × 9 = 6 = 132, यही क्या हो गया आंसर दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों टाइप फोर का अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का LCM क्या है, लॉसो क्या है 225 और उनका मोसो 5 है, यही दूसरी संख्या 25 हो तो पहली संख्या ज्ञात करना है। LCM क्या है दोस्तों 225 है, क्या है 225, और HCF क्या है, HCF मोसो यानी 5 है, कह रहा है दूसरी संख्या 25 हो, दूसरी संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या क्या दिया हुआ है दोस्तों 25, तो पहली संख्या क्या होगा,
क्या बोले दोस्तों, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। यदि लोसो और मोसो दिया रहेगा, क्या क्या दिया रहेगा, लोसो और मोसो दिया रहेगा, कहेगा दूसरी संख्या, लोसो मोसो दिया रहेगा और दूसरी संख्या दिया रहेगा, कहेगा पहली संख्या निकालने, तो लोसो और मोसो को गुना कर देना है। कुछ नहीं करना है, क्या करना है, लोसो और मोसो को क्या करना है, गुना कर देना है, एलसीएम और एचसीएफ को गुना कर देना है, बटे जो दिया रहेगा, जो संख्या दिया रहेगा, क्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या दिया है, पहली मांग रहा है, तो पहली के लिए पहली संख्या निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पहली संख्या, क्या करेंगे दोस्तों, लोसो और मोसो को गुना कर देंगे और जो संख्या दिया रहेगा उसको नीचे में रख देंगे, हर में रख देंगे, तो क्या दिया हुआ है, पहली संख्या, पहली संख्या, और कुछ नहीं करना है दोस्तों, यही तो आंसर हो गया। देखिए कैसे अब हल कर लेंगे, देखिए एलसीएम 225 है, एचसीएफ कहाँ है, कितना है, 5 बटा पहली संख्या, पहली संख्या कितना है दोस्तों मेरा, पहली संख्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दूसरी, दूसरी क्या दिया है ना, एचसीएफ बटे दूसरी संख्या, तो एलसीएम कितना है, 225 गुना 5 बटे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या कितना दिया है दोस्तों, 25, पहली निकालना है, काटिए 25 पंचे 125 नाम है 225 नौ पचे 45, यही क्या हो गया, पहली संख्या आंसर हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों टाइप 5 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि एलसीएम 90 है और पहली संख्या 5 है तथा दूसरी संख्या 18 है, तो एचसीएफ क्या होगा, क्या मांग रहा है दोस्तों, एचसीएफ मांग रहा है, एलसीएम दिया हुआ है कितना 90, पहली संख्या दिया हुआ है, पहली संख्या को हम मान लेते हैं A1 कितना दिया हुआ है 18, A2 निकालना है, A2 क्या करना है, निकालना है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहली संख्या 5 और दूसरी संख्या 18 है, एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है, एचसीएफ, पहली संख्या कितना है दोस्तों, पहली संख्या 5 है, पहली संख्या 5 है और दूसरी संख्या कितना है 18, क्या निकालना है, एचसीएफ, क्या निकालना है, एचसीएफ, एचसीएफ निकालना है। तो इसको दोस्तों कैसे करेंगे देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, जो दो संख्या दिया है, जो दो संख्या दिया हुआ है उस दोनों को गुना करके, उस दोनों गुना करके और एलसीएम से भाग दे देना है, क्या करना है, एलसीएम से भाग दे देना है, तो एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ में क्या बोले दोस्तों, जो दोनों संख्या दिया हुआ है उसको गुना करके और एचसीएफ से भाग दे देना है, तो गुना कर देते हैं, A1 गुना A2 बटे एलसीएम, A1 गुना A2 बटे एलसीएम, तो 5 गुना 18 बटे 90, 18 पंच 90 हो गया, 90 बटे 90 क्या हो गया दोस्तों 1, एचसीएफ कितना हो जाएगा दोस्तों 1, यही हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चलिए दोस्तों देखते हैं टाइप 5 का नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ कह रहा है यदि एचसीएफ 7 है और दो संख्याओं का गुणनफल 91 है तो लॉसो निकालना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन क्या बताए थे, एचसीएफ निकालना था, क्या था, एचसीएफ निकालना था, और इसमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसमें भी क्या करना है, दोनों संख्या गुणनफल में एचसीएफ से भाग दे देंगे तो एलसीएम निकल जाएगा। हम यहाँ निकाले थे दोनों संख्या गुणनफल में एचसीएफ से भाग दिए थे तो क्या निकला था, एलसीएम निकला था। तो यहाँ निकालना है क्या चीज़, एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम। चलिए तो एलसीएम के लिए क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ, क्या करना है, बटे एचसीएफ। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ सवाल में, देखिए यदि एचसीएफ 7 है और दो संख्याओं का गुणनफल 91 है, कितना दिया हुआ है 91, एचसीएफ 7 दिया हुआ है, क्या निकालना है, एलसीएफ। तो एलसीएम निकालना है, क्या करेंगे, दोनों संख्या गुणनफल में एचसीएफ से भाग दे देंगे, 13 7 91 13, क्या हो गया दोस्तों मेरा, एलसीएम हो गया, यही हो गया आंसर। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।